आप देख रहे हैं HBN न्यूज। बिहार में मिथिला स्टूडेंट यूनियन की ओर से लहरिया सराय चट्टी चौक पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया और ये धरना ओवर ब्रिज को लेकर किया गया, जहां पर हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन एक गैर राजनीतिक संगठन है जो विगत 5 सालों से मिथिला के चौतरफा विकास के लिए सड़क से लेकर जेल तक संघर्ष किया। आज लहरिया सराय चट्टी चौक पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा ने कहा कि इस धरना का उद्देश्य स्थानीय विधायक जनप्रतिनिधि का ध्यान आकृष्ट करना था। विगत 2 दशक से चट्टी चौक के जो जाम की समस्या है उसका स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा है। कई सारे नेता इस मुद्दे को लेकर अपनी राजनीति को चमकाकर चले जाते हैं और समस्या वही की वही रह जाती है। हम मांग करते हैं कि स्थानीय विधायक से चट्टी चौक पर होने वाले जाम की समस्या से अविलंब छुटकारा मिले और इसका उपाय करें, नहीं तो आने वाले समय में उन्हें मिथिला स्टूडेंट यूनियन की ओर से गंभीर समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि विगत 2 दशकों से चट्टी चौक से सड़क जाम की समस्या है। ओवर ब्रिज के नाम पर यह सिर्फ घोषणा और शिलान्यास होता है। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। देखिए, जब से हम लोग पैदा हुए, जब से हम लोग जन्म लिए, आज हम लोग 30 साल के हो गए, हमने आज तक ये देखा कि रोड का जो चट्टी का जो गुमती है या दरभंगा का तमाम गुमती है वो जाम रहता है और ये जाम की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। पिछले 10 सालों में तो ये अति हो, जितने भी जनप्रतिनिधि आए, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो कोई भी हो, उनसे हमेशा हम लोगों ने मांग किया कि भाई हमारे इलाके में भी रोड पर ओवरब्रिज बनाया जाए, जो रेलवे का काम है हर इलाके में बनता है। लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि आज तक यहाँ ऐसा पैदा नहीं हुआ जो रेलवे डिपार्टमेंट या मुख्यमंत्री से या अपने बड़े बड़े पदाधिकारियों से आंख में आंख मिलाकर ये बात प्रश्न करे कि हमारे इलाके में रेल के ऊपर ओवरब्रिज क्यों नहीं बनता, हमारे इलाके में आरओबी क्यों नहीं बनता, हमारे इलाके में रेलवे डबल नीति क्यों अपनाता है। रेलवे हर देश के हर कोने में खर्च करता है, लेकिन जब मिथिला की बात आती है, उत्तर बिहार की बात आती है, जो सबसे ज्यादा राजस्व देने का काम करती है, सबसे ज्यादा आमदनी देने का काम करती है रेलवे को, वहां पर ओवरब्रिज क्यों नहीं बनता, ये हमारे निकम में जनप्रतिनिधि प्रश्न नहीं करते हैं अपने अपने वरीय अधिकारियों से। तो आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने ये प्रश्न किया है, हम नौजवानों की तरफ से ये प्रश्न उठा रहे हैं कि हमारे जब जनप्रतिनिधि ये प्रश्न नहीं करते हैं तो उन्हें जनप्रतिनिधि बनने का हक नहीं है। वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं और ऐसे बिजनेसमैन को सत्ता पे लाने का हक नहीं है। ये आज हम यहाँ से अनाउंस कर रहे हैं, हम इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक, सड़क से लेकर यहाँ के जो सेक्रेटेरिएट है, यहाँ का जो रेलवे डिपार्टमेंट है, वहां तक संघर्ष का आगाज करेंगे और चट्टी गुमती ही नहीं, दरभंगा के तमाम गुमती पर जो जाम का समस्या आज होने लगा है उस समस्या का निदान ढूंढेंगे। जय मिथिला, जय मैथिली। धन्यवाद। यहाँ गुमती का बहुत ज्यादा समस्या क्या हो रहा है, यहाँ जो है जो ट्रेन की संख्या बढ़ती जा रही है, जब बड़ी रेल लाइन डबल लाइन में बदल गया वो यहाँ से हो सकता है, गोरखपुर से भी जोड़ा जा सकता है और आए दिन यहाँ लोग बीमार पड़ते हैं, ज़्यादा सीरियस हो जाता है, लेकिन ये गुमती जाम के कारण है जो आए दिन लोग यहाँ जाम में मर जाते हैं। स्कूल का छोटा छोटा बच्चा, ऑफिस, कहीं कोई काम पे निकलने वाले, सारा लोग इस जाम की समस्या से जूझ रहा है। यहाँ का स्थानीय विधायक या सांसद आज तक कोई सुधि नहीं लिया, जबकि यहाँ सांसद का अपना निवास स्थान भी है। यहाँ इस रोड का देख लीजिए, एकदम जर्जर, कबीलपुर बाबू साहेब कॉलोनी गुमती से लेके है जो उस रोड जो NH निकलता है, जो कुशेश्वर स्थान की जाती है, सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति है। यहाँ पिछले साल विधायक के द्वारा जब यहाँ आचार संहिता लग रहा था, उस दिन यहाँ शिलान्यास किए रोड का, चुनाव खत्म हो गई, लेकिन आज तक उस रोड का सुधि लेने वाला आज तक कोई नहीं मिला। यहाँ सिर्फ गरीबों को छल किया जाता है और यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, विकास नाम का एक भी चीज़ नहीं हो रहा है जो यहाँ का लोगों का है, जिस उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी को जिताया गया जो यहाँ बिहार में विकास होगा, आ
आज तक विकास नहीं हुआ। मोदी जी 14 में बिहार वासियों को गच के गए थे जो बिहार को विशेष दर्जा देंगे, आज तक नहीं मिला। यहाँ है जो अश्विनी चौबे जी जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा कहा जाता है जो यहाँ जो है एम्स निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन वही नड्डा जी का प्रोग्राम होता है तो उसमें कहा जाता है जो चुनावी सिर्फ चुनावी जुमला के कारण है जो यहाँ है जो एम्स यहाँ बनेगा। बड़ी रेल लाइन का तबाही यहाँ हम लोग झेल रहे हैं, वो आम जनता झेल रहा है, उसका सुधी लेने वाला आज तक कोई विधायक एमपी सांसद कोई नहीं हुआ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जयशंकर प्रसाद गुप्ता।